जापान में बनी थी रामायण विवाद के चलते भारत में हुई थी बैन। भगवान राम बने अरुण गोविल थे फिल्म का हिस्सा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम आपको रामायण पर बनी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम के बारे में बताने जा रही हैं। सन 1983 की बात है। जापानी फिल्म मेकर युगो साको पहली बार भारत आए। भारत आने के बाद उन्हें हिंदू काव्य रामायण के बारे में पता चला। उन्होंने जापानी में रामायण के 10 वर्जन पढ़े और फिर इस पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध। रिसर्च करने के 7 साल बाद फिल्म की मेकिंग शुरू हुई, लेकिन फिल्म बनने से पहले ही विवादों में आ गई। दरअसल युगो साको एनिमेटेड रामायण बना रहे थे और विश्व हिंदू परिषद इसके विरोध में थी। विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि रामायण को कार्टून की तरह दिखाना सही नहीं होगा। जब इस संबंध में जापानी एम्बेसी को भी पत्र लिखा गया, तब युगो साको ने यह भरोसा दिलाया कि वो किसी की भावना को आहत नहीं होने देंगे। ऐसे में उन्हें फिल्म बनाने की परमिशन मिल गई। इस वजह से हुई थी बैन। 450 आर्टिस्ट ने फिल्म की मेकिंग में हिस्सा लिया। रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने इस फिल्म की हिंदी डबिंग में राम के कैरेक्टर के लिए आवाज दी। इस तरह 1992 में पूरी फिल्म तैयार हुई और फिर जब फिल्म के रिलीज होने का मौका आया तो बाबरी मस्जिद पर विवाद छिड़ गया। इस विवाद के चलते इस फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं किया गया। 3 साल तक इस फिल्म में भारत में बैन लगा रहा और फिर कार्टून नेटवर्क पर इस फिल्म को दिखाया जाने लगा। आपको बता दें कि इस फिल्म को IMDb पर 9.2 रेटिंग मिली है।